गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है लगभग 8:15 बजे के आसपास। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना लंच। मोस्टली जो थी आधी तैयारी मेरी हो रही है और आधी जो है अब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो आज मैं लौकी को बॉईल करके बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर लौकी मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी नमक डालकर, और उसके बाद अब मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का। आटा वगैरह सब मैंने लगा कर रखा हुआ है, सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, हींग डाली, और अब बस यहाँ पर प्याज डाल के मैंने हल्का सौटी किया है, मसाले वगैरह डालकर जो है मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पर आप फ़ैन देख सकते हैं, मैंने फ़ैन रखा हुआ है जो हस्बैंड कल लेकर आए थे, मैंने आपसे शेयर किया था दूसरे चैनल पर। तो यहाँ पर पहले जो है मेरा आटे का कंटेनर रखा था, तो मैंने उसी के ऊपर रख दिया था। बट फिर मुझे लगा कि बार बार उस पर जो है आटा निकालेंगे, बार बार इसको हटाएंगे रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभी ना किचन काउंटर पर इतना सामान होता है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है, तो फिर कहाँ इसको मैं बार बार उठा कर रखती, उसका केबल निकालती। तो मैंने कहा चलिए, जब तक ज़्यादा गर्मी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तब तक यहाँ से कंटेनर हटा के मैंने रैक पे नीचे रख दिया है। और यहाँ पर ये छोटा सा मेरे पास स्टूल था तो उसको मैंने रख दिया है। देखने में हो सकता है थोड़ा बेकार लग रहा हो, बट सुविधा हो गई है तो ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि आप सभी को पता है इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, और किचन में खाना बनाने में जो हालत ख़राब होती है ना, वो तो हर गृहिणी जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बस हस्बैंड यहाँ पर ना बैठे बैठे बस फ़ैन ले आए हैं ना, तो उसके बारे में 50 बार मुझसे पूछ चुके हैं कि अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो गर्मी नहीं लग रही, अच्छा काम किया। मतलब खुद कुछ काम कर देते हैं ना, तो उसकी तारीफ़ उन्हें 50 बार सुननी होती है। और हम गृहणियाँ सारा दिन लगी रहती हैं, उसकी कोई तारीफ़ नहीं होती है, ऐसा हर किसी के शायद होता है मुझे लगता है। तो बस यहाँ पर वो यहाँ पर बैठे हुए थे और बस बातें कर रहे थे, क्योंकि हवा उनके पास भी जा रही थी। और मैंने इस तरह से जो फ़ैन लगाया था कि मेरे फेस पर हवा आए, गैस पर ना लगे, तो आराम से मेरा जो काम है वो भी हो रहा था। तो एक साइड में रोटी बनाती जा रही थी और एक साइड जो तड़का है वो मैं तैयार कर रही थी। और लौकी में ना आज दाल मैंने नहीं डाली, मतलब चने की दाल मैंने नहीं डाली है, उसकी जगह मैंने डाली है मटर। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं बना रही थी कि कैसी लगती है। और यकीन मानिए, मटर डालकर जो लौकी की सब्ज़ी है ना, बहुत ही टेस्टी लगती थी लगी थी। और इस तरह से अलग से जब बॉईल करके तड़का लगाते हैं ना, तो वैसे भी जो सब्ज़ी का टेस्ट हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो काफ़ी जो लौकी है अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी और सच में काफ़ी राहत हो गई थी। बेशक हवा थोड़ी सी गर्म लग रही थी, बट ये है कि यहाँ पसीना नहीं आ पा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा जो पहले परेशानी होती थी ना, वो नहीं हो रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं अपना जो खाना है वो बना लेती हूँ, और उसके बाद अपना जो क्लीनिंग का काम है वो करेंगे। आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो टाइम तो मेरा वही था, सुबह मैं अपने उसी टाइम पे जागी थी जिस टाइम पर जागती हूँ। बस सुबह से मैंने आज व्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा सुबह मैंने वीडियो भी एडिटिंग वगैरह की थी, उसके बाद चाय वगैरह बनाई, बच्चे वगैरह जाग गए, तो फिर जो है सबको नाश्ता करा के फिर मैं अपना इस काम में लग गई थी। और यहाँ पर देखिए रोटियाँ बन गई, उसके बाद सब्ज़ी भी रेडी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में भी। तो बस यहाँ पर सारे जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने रख दिए हैं धुलने के लिए। और यहाँ पर पहले जो रैक थी वो थोड़ा क्लीन करके, और जो गैस और किचन काउंटर है वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब होती है काम करने में, और कामों को जो है मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना कि क्या ही बताया जाए। ऊपर से अगर बच्चे छोटे हैं तो आप सभी जानते हैं काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट फिर भी जो है मैनेज तो करना ही होता है। और मेरी तरह जो हाउसवाइफ हैं, साथ में बच्चे छोटे हैं, ऊपर से यूट्यूब वगैरह भी जो है चलाती हैं, तो कामों को जो है संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली समर में, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, और इस बार तो शायद कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो सब कामों को मैनेज करना ना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना एक बस यही उपाय होता है कि सुबह जल्दी जागकर अपने कामों में जो है लगा जाए, बिल्कुल भी जो है ढील ना डाली जाए, और बस लगातार लगातार अपने सारे काम जो है निपटा लिए जाएं। क्योंकि अगर एक बार किचन का काम निपट जाता है, क्लीनिंग का काम निपट जाता है, तो ये मान लीजिए कि बस घर के सारे काम हो ही जाते हैं,
उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो उसके लिए भी फिर हमें टाइम मिल जाता है, क्योंकि अगर हम लेट सुबह से ही जो है जागेंगे तो हमारे काम ना सारे लेट होते चले जाते हैं, फिर अलग से एक्स्ट्रा अगर कोई काम हो जाते हैं ना किसी दिन, तो ये समझ लीजिए कि सारा दिन आपका ऐसे ही गर्मी में निकल जाता है, आपको जो है बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलती है, और फिर आपकी जो हालत होती है ना गर्मी की वजह से, वो तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या होता है। तो वही है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, घर के काम के अलावा कभी कभी बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। जैसे आज ही जो है, मान लीजिए मुझे आज घी बनाना है, तो घी बनाने में भी जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। जो घर पे घी बनाती हैं वो जानते हैं, कभी जो है घर में कपड़े हो जाते हैं आयरन करने के लिए, आप सभी को पता है कपड़े मैं सारे घर पर ही आयरन करती हूँ, फिर सर्दी हो या गर्मी, तो इन सारी कामों के लिए भी हमें जो है टाइम की ज़रूरत होती है। और टाइम हम जब ही निकाल सकते हैं अलग से एक्स्ट्रा कामों के लिए, जब हमारे घर के जो काम हैं, किचन का काम है, क्लीनिंग का काम है, ये सारे काम जब टाइम पर हो पाएंगे ना, तभी हम बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाएंगे। और गर्मी में ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार लगे रहें, तो यकीन मानिए अगर ऐसा होगा ना, तो आप जो है ज़्यादा दिन जो है नहीं काम कर पाएंगे, फिर जो है आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ना कि आपको बिस्तर पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी ही इतनी भयंकर पड़ रही है। तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसी हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इसका बस सबसे अच्छा यही मुझे एक तरीका लगता है कि सुबह जल्दी उठकर ही अपने कामों में लगा जाए। हाँ, कभी कभार की बात और होती है कि कभी किसी रीज़न से नहीं उठ पाए हैं, तो कोई नहीं, एक दो दिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे, बट डेली डेली अगर आपका रूटीन जो है टाइम से रहता है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है घर के काम मैनेज करने में। और उसके साथ साथ जैसे अब मैं जैसे यूट्यूब पर वीडियो शेयर करती हूँ, अब फेसबुक पर भी जो है वीडियो शेयर करती हूँ, उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं तभी कर पाती हूँ जब टाइम से मैं सारे अपने काम निपटा लेती हूँ, तो मेरे लिए जो है दिन में मुझे टाइम मिल जाता है। तो यही है, सुबह जितना जल्दी हो सके सुबह उठा जाए और अपने कामों में लगा जाए ना, तो उसके बाद फिर कुछ देर अपना जो है बैठें हवा में, जो है एसी है, कूलर है, जो भी है उसमें बैठकर रेस्ट करें, आराम से खाना वगैरह खाएं थोड़ी देर। और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम घंटा दो घंटा सोएं तभी जो है हम रेस्ट करेंगे या तभी रेस्ट माना जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कामों से फ्री होकर जब आप एक सुकून से बैठ जाते हैं ना कहीं, फिर आप चाहे टीवी देखें, फ़ोन चलाएं, बैठे बैठे किसी से फ़ोन पे बात करें, कुछ भी करें, वो जो है एक तरह से रेस्ट ही हो जाता है। जब एकदम हर काम से फ्री होकर जब हम सुकून से कुछ देर बैठ जाते हैं, तो शरीर में ना एक अलग ही जो है अलग से ऊर्जा आ जाती है नए काम में लगने के लिए। तो इसी तरह से मैं अपने सारे काम करती हूँ, मेरे जो भी घर के किचन के डेली के क्लीनिंग के काम होते हैं, आप सभी देखते हैं कि मैं सुबह जल्दी निपटा लेती हूँ, उसके बाद कुछ देर जो है बैठती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, कूलर में बैठकर रेस्ट करती हूँ, सोती बिल्कुल नहीं हूँ, आप सभी को पता है दिन में मैं नहीं सोती हूँ, बस बैठकर जो है घंटा डेढ़ घंटा जितना मुझे टाइम मिल जाता है बैठकर रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद कोई अगर एक्स्ट्रा मेरे पास काम होता है दिन में, जैसे कि आज एक घी निकालने का काम था, सुबह क्लीनिंग का सारा काम निपटाकर मैं नहा ली, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, फिर आराम से बैठी हवा में, बैठे बैठे बाबू का कुछ हॉलीडे होमवर्क था वो भी मैंने निपटाया उसका, उसके बाद बच्चे सो गए, तो फिर मैं लग गई अपने किचन में और मुझे बनाना था घी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो मलाई है उससे कितना सारा जो बटर है वो निकाल लिया है, और बस बटर निकाल के उसको एक दो बारी धोया, फिर मैंने उसको चढ़ा दिया गैस पर पकने के लिए। तो इसी तरह से कोई भी गृहिणी हो, हर गृहिणी जो है अपने जो काम है उनको मैनेज कर सकती है, फिर वो कितने ही हो, बस टाइम से अगर हम सुबह उठेंगे, टाइम से अपने सारे काम निपटाते चले जाएंगे ना बिना टाइम वेस्ट किए, बेशक फिर बाद में हम फ्री होकर आराम से बैठ लें या कोई और काम है वो कर लें, बट एक बार सारे काम टाइम पर हो जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा कामों के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। फिर वो कोई भी हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, या फिर मेरी तरह यूट्यूब चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, कोई भी काम हो, तो उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है कुछ देर, क्योंकि फिर शाम होते ही हम सबको लगना होता है, तो खुद को टाइम देना, थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब टाइम से हमारे सारे काम निपट जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो घी था वो मेरा बन गया था, तो वो थोड़ा ठंडा हो रहा था, तो मैंने कहा जब तक ये जो बर्तन हैं वो समेट देते हैं,
तो आप जानते ही हैं जब घी बनाते हैं ना तो बर्तन भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जब तक घी ठंडा हो रहा था तो मैंने बर्तन भी धुलकर रख दिए थे और फ़ैन चल रहा था ना, तो उससे काफ़ी राहत मुझे हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बर्तन धुल दिए थे, तब तक घी भी थोड़ा ठंडा हो गया था। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि फिर वो छानने में नहीं आता है। तो बस घी को मैं रख दूँगी इस कंटेनर में भर के, जो मेरा घी का कंटेनर है। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि मैंने अपने घर के भी सारे काम निपटा लिए, बाबू का जो होमवर्क था वो भी कराया और साथ में अपना रेस्ट भी किया और बस यहाँ पे घी भी निकाल के रख दिया। और इस टाइम लगभग 2-2.5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। अब फिर से जो है मैं अपना बैठूँगी, थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करूँगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर अपने कामों में लग जाऊँगी। तो यही मेरा जो है रूटीन रहता है। तो चलिए चलती हूँ, बाय।